बिलासपुर में आज दयालवंत गुरुद्वारा में शहीद दिवस के अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों की याद में मनाया गया शहीदी समागम दिवस शामिल हुए सिख समुदाय के लोग। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे अजीत सिंह 18 वर्ष, जुझारू सिंह 14 वर्ष, जोरावर सिंह 9 वर्ष एवं फतेह सिंह 7 वर्ष की शहादत को नमन करते हुए आदर्श पंजाबी महिला संस्था द्वारा दयालवंत गुरुद्वारे के प्रांगण में शहीदी समागम का आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्ष पम्मी गुंबर ने बताया कि सर्वप्रथम दयालवंत गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ज्ञानी मान सिंह बादला द्वारा अरदास की गई। चमकौर के युद्ध में सिरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिखर गया। एक ओर गुरु गोविंद सिंह एवं उनके 2 साहिबजादे अजीत सिंह एवं जुझार सिंह व दूसरी ओर माता गुजरी व छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह रह गए। हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में दोनों साहबजादे शहीद हो गए और इधर दोनों छोटे साहबजादे को इस्लाम धर्म कबूल ना करने के कारण शहीद के नवाब वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया। इस पूरा वाक्या एवं बहादुरी के शब्द गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया एवं समाज के सभी महिला पुरुष छोटे बड़े बच्चों बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। आपको बता दें कि गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर माथा देखा। इस अवसर पर झावड़ा अंजलि सलूजा रूबी बाधवा दयालवंत गुरुद्वारे के अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह गांधी मनदीप गंभीर सुरेंद्र सिंह झावड़ा राजविंदर गंभीर मनजीत सिंह गुंबर अमरजीत दुआ चरणजीत गंभीर समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हम लोग साफ कोई पंजाबी आदर्श महिला संस्था के सभी मेंबर्स लोगों ने मिलकर शहीदों को गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों और शहीदों को श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए आज पंजाबी महिला संस्था की तरफ से गीत का आयोजन किया गया था। इसमें सभी ने बड़े छोटे बुजुर्ग सभी ने यहाँ सब में शामिल होकर यहाँ गीत के प्रोग्राम को सफल बनाया और शहीदों को याद कर उनकी शहादत को याद करके श्रद्धा के फूल चढ़ाए। हमारे इस कार्यक्रम में पूरे समाज ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और हमने आदर्श पंजाबी महिला संस्था ने गुरुदा लंगर भी तैयार किया है जिसने सारी संगता ने अच्छे से परमान मिल के छकिया। वैजिक खालसा वैजिक जी। बताएंगे कि शहीद दिवस पर क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे और उनकी माता गुजर कौर की शहीदी की याद में गुरुद्वारा दयालवंत में पिछले 19 तारीख से शहीदी समागम चल रहे हैं। ये शहीदी समागम 28 दिसंबर तक चलेंगे। 23 दिसंबर को बड़े साहिबजादा का शहीदी गुरुद्वारा पूजा कर मनाया गया है और 28 दिसंबर को छोटे साहिबजादा का शहीदी मनाया गया है। इस शहीदी पूर्व के लिए हमारे पास कथावाचक भी आए थे जिन्होंने साहिबजादों के बारे में कथा की और बच्चों के प्रोग्राम भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा करवाए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम लगातार 28 दिसंबर तक चलेंगे। जी आपका नाम? नरेंद्र पाल सिंह, मुख्य सेवादार गुरुद्वारा दयालवंत बिलासपुर। 28 तारीख तक शहीदी समागम का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत आज 24 तारीख को आदर्श पंजाबी महिला समिति द्वारा गीत एंड सबक का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसी के तहत कल सुखमनी साहब की लड़ी चलेगी जो कि दिन भर सुखमनी सरकार और साध संगत द्वारा की जाएगी जिसका समापन कल शाम को 5 बजे किया जाएगा जिसमें लास्ट में सुखमनी साहब छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाएगा। इसी तहत 27 तारीख को भी 11 बजे तक दीवान लगेगा एवं छोटे बच्चों द्वारा एवं संगत द्वारा जपकी साहब का पाठ भी किया जाएगा। हमने इस शहीदी दिवस को मनाने के लिए सभी संस्थाओं का आके बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं एवं प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे की शहादत जिन्होंने दी है उनका इतिहास बताना है एवं बच्चों को गुरु घर से जोड़ के गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करनी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपका नाम? मनदीप सिंह, 77 गुरुद्वारा सिंह सभा दयालवंत बिलासपुर।